हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल इंडियन टेक चंदन पर स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि खोलती है राज? किस चीज़ से डरते हैं आप? तो दोस्तों, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। हर इंसान की राशि होती है और आपकी राशि आपके बारे में कई राज खोलती है। अपने जीवन में जुड़ी कई बातें आपकी राशि बता देती है। वहीं आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी राशि को किस किस्म का डर सताता है, मतलब किस राशि को कौन सा फोबिया है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले लोग हमेशा चलते रहना पसंद करते हैं। एक ही जगह पर देर तक बैठे रहने से उन्हें परेशानी होने लगती है। एक्टिव मेष राशि वालों को कठिसोफोबिया यानी बैठने में लगने वाला डर होता है। दूसरे नंबर पर वृष राशि। वृष राशि वालों अपने कंफर्ट जोन में ही सेफ और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इन्हें अपने आसपास की चीज़ों में बदलाव आना अच्छा नहीं लगता। आज वहाँ है जहाँ है, जैसे हैं वैसे ही खुद को पसंद करते हैं। आप किसी भी तरह की चेंज आने का एंजॉय नहीं कर सकते। वृष राशि वालों को ट्रैपोफोबिया यानी वह डर जो आपके आसपास हुए बदलावों से आता है, हो सकता है। तीसरे नंबर पर मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को अगर आप बैठकर किसी बारे में सोचने और निर्णय लेने को कहेंगे तो आप देखेंगे कि वे नर्वस हो रहे हैं। यह डिसाइडोफोबिया है, यानी कि डिसीज़न लेने में घबराहट होना। मिथुन राशि वालों को यह फोबिया है, हो सकता है जिसके कारण वे किसी मुद्दे पर ठोस फैसला लेने की बात पर दूर भागते हैं। चौथे नंबर पर कर्क राशि। कर्क राशि वालों को घर पर रहना पसंद होता है। वे घर पर रहने हैं सेफ फील करते हैं। आपके दोस्त और परिवार में ही आपका संसार बसता है। दोस्तों और परिवार से दूर जाने का ख्याल ही आपको बेचैन कर सकता है। कर्क राशि वालों को एक सेफ जगह को छोड़कर यानी कि एगोराफोबिया प्रभावित कर सकता है। पांचवें नंबर पर सिंह राशि। सिंह राशि वालों को लाइमलाइट में रहना और आकर्षण का केंद्र बने रहना पसंद होता है। जब तक आपके आसपास के लोग आपके काम और मेहनत की तारीफ करते हैं, आप स्पॉटलाइट में रहते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये छीन ले, आप परेशान हो जाते हैं। आपको एंथाजोगोरोफोबिया यानी कि इग्नोर किए जाने का डर आपको बहुत सताता है। छठे नंबर पर कन्या राशि। कन्या राशि वालों को चकाचक रहना और अपने आसपास की चीज़ों को भी क्रम से रखना और ऑर्गेनाइज्ड करना अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ बिखरा हुआ दिखे तो आप इरिटेट हो जाते हैं। एटैक्सोफोबिया यानी कि कचरे और बिखरी चीज़ों को देखकर घबराहट होना आपको डिस्क्राइब करता है। अगर आप किसी कन्या राशि वालों से
लड़ना चाहते हैं तो बस कारपेट को आधा फोल्ड करके छोड़ दीजिए। सातवें नंबर पर तुला राशि। तुला राशि वाले मिलजुल कर रहने और पार्टनरशिप पर बहुत भरोसा करते हैं। तुला राशि वाले लोग रोमांटिक होते हैं और रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं, लेकिन लाइफ में अकेला होना इन्हें बिल्कुल नहीं भाता। ऑटोफोबिया यानी अकेला पड़ जाने का डर तुला राशि वालों को सताता है। आठवें नंबर पर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले आप लोगों को हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सेंसिटिव, इमोशनल, गहरी सोच वाले और ईमानदार होते हैं, हालांकि ये बहुत जल्दी हीन भावना से घिर जाते हैं। प्रोडिटियोफोबिया यानी कि प्यार में धोखा खाने का डर आपके परिभाषित करता है। नौवें नंबर पर धनु राशि। धनु राशि वाले लोग आप साहसिक होते हैं और आपको नियमित फॉलो करना अच्छा नहीं लगता। रोज एक ही जैसा काम करना आपको पसंद नहीं आता। आप एक ही जगह पर बहुत देर तक नहीं रुक सकते। क्लस्ट्रोफीविया यानी कि एक सीमित स्थान में बंध जाने का डर धनु राशि वालों को प्रभावित करता है। 10वें नंबर पर मकर राशि। मकर राशि वालों को हर क्षेत्र में परफेक्ट बनने की भूख होती है। ऐसे लोगों में किसी भी तरह की कमी के संकेत आसानी से देखने पर नहीं मिलते। लाइफ में किसी भी तरह की असफलता मिलने पर डर उन्हें हमेशा सताता रहता है। अटिकीफोबिया यानी असफलता का डर आपकी घबराहट को प्रभावित करता है। 11वें नंबर पर मेरिंटोफोबिया यानी बंद कर रह जाने का डर कुंभ राशि वालों के डर को प्रभाषित करता है। आपको आज़ादी पसंद है, आप खुल कर रहना पसंद नहीं आता है कि कोई आपको बताए कि क्या करना है। इससे तो लगता है कि शायद आपको स्कूल जाना भी पसंद नहीं लगता होता होगा। 12वें नंबर पर मीन राशि। मीन राशि सभी राशियों से सबसे ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं। मीन राशि के लोग आपके अपने लोग ही आपकी दुनिया है। मीन राशि वालों को सताता है थैंटोफोबिया यानी अकेले आपको अपने को खोने का डर। इस इनसे दूर जाने का ख्याल ही आपके अंदर घबराहट पैदा करते हैं। वे हमेशा आपके दिल में रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी।